मैं डॉक्टर महेंद्र बघेल, वेटनरी सर्जरी स्पेशलिस्ट, आप सभी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार सभी को। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसा कि आप वेट्स सभी जानते हैं कि आयरोमेक्टिन का उपयोग वेटनरी फील्ड में बहुत ज़्यादा है और उसका दुष्परिणाम कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलता है। दुष्परिणाम इसलिए मिलता है क्योंकि इसकी जो यूज है वो हाइड्रोज या एक्सीडेंटल इंजेशन हो जाता है, जिसके कारण जो बेजुबान पशु हैं वो सफर करते हैं। उसी से संबंधित एक केस हमको मिला था और उसका मेरे द्वारा सफल इलाज कर उसकी जान बचाई गई, जिसका विस्तृत डिस्कशन इस वीडियो में दिया जा रहा है। सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि इसका जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है। आयरोमेक्टिन का जो यूज होता है वो इंडो और एक्टोपेरासाइट दोनों को खत्म करने के लिए किया जाता है। इसके जो दुष्परिणाम है वो ये होते हैं कि ओवरडोज हो जाता है तो उसको बहुत सारे नर्वन सिम्टम या नर्व सिस्टम जो है अफेक्ट होता है, क्योंकि ये ओवरडोज होता है उस समय ये इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो ब्रेन में ज़्यादा होने के कारण इसके सिम्टम्स मिलते हैं। आयरोमेक्टिन के बारे में आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि इसका उपयोग इंडो और एक्टो पेरासाइट दोनों को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। इसका अगर सही डोज और सही स्पेसिस में दिया जाता है तो बहुत अच्छा फायदा होता है, लेकिन जरा सी अगर इसमें मिस्टेक हो जाती है तो एनिमल को बहुत सारे नुकसान होते हैं। सबसे पहले तो कुछ जो ब्रीड्स होती है उसमें आयरोमेक्टिन बिल्कुल नहीं देने के लिए लिटरेचर बोलता है, वह है कुलिस ब्रीड और इसके क्रॉस ब्रीड्स। दूसरा, जो पफी होते हैं वो 45 डे या के बिलो होते, छोटे पपी, उसमें भी रिकमेंड नहीं किया जाता है। फर्स्ट ही आयरोमेटिन जो रिकमेंड नहीं किया जाता है, इसलिए नहीं किया जाता कुछ ब्रीड्स में कि उनमें कुछ जीन होते हैं, वो जीन म्यूटेशन के कारण उसके ब्रेन में आयरोमेटिन पहुंच जाता है और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिसके कारण पशु को बहुत सारे नुकसान होते हैं, इसलिए उसमें रिकमेंडेड नहीं है। यह रिकमेंडेड केवल जो स्पेसीज हैं डॉग की उसमें होती हैं, एनिमल्स में होती हैं, ह्यूमन में भी होती हैं, लेकिन डॉग्स में विशेषकर कुलिस ब्रीड और उसके जो क्रॉस होते हैं उसमें रिकमेंडेड नहीं है। नॉर्मली जो ब्रीड्स रिकमेंडेड है उसमें आयरोमेक्टिन यूज कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमारे पास प्रतिवर्ष ये टॉक्सिसिटी देखने कहीं ना कहीं मिलती है क्योंकि इसका जो लैक ऑफ नॉलेज है, या पैरावेट्स से हैं या एक्सीडेंटल एनिमल्स के द्वारा आयरोमेक्टिन इंजेक्शन कर लिया जाता है जिससे टॉक्सिसिटी होती है, उसमें टॉक्सिसिटी में जो नर्वस सिस्टम है एनिमल का, ब्रेन है अफेक्ट होता है। ब्रेन अफेक्ट होने के कारण उसकी मसल वीकनेस होती है, कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है, चलने में दिक्कत होती है, ब्लाइंडनेस होती है, अटेक्सिया हो जाता है, एनिमल बिल्कुल लेट जाता है, मूवमेंट नहीं होता है, कोमा में चले जाता है, इस प्रकार की समस्या होती है। तो जब भी इस प्रकार की समस्या हो तो इसे क्रिटिकल केयर या अच्छे वेट्स के पास पहुंचा के उसका इलाज करवाना चाहिए, और हमें भी इसका बहुत ही ध्यान रखना है कि इस प्रकार की किसी को समस्या नहीं हो। हमारे पास अभी एक पपी आया है जो एक्सीडेंटल इंजेशन ऑफ आयरमेक्टिन टेबलेट 10 mg की टेबलेट ले लिया, और पपी मात्र 45 डे का था। जैसे उसने टेबलेट ली, 4 घंटे में वो पूरा फ्लैसिड पैरालिसिस हो गया बिल्कुल, और एक ही साइड में आगे बढ़ रहा था। जो पपी आप देख रहे हैं यह पपी बिल्कुल फ्लैसिड पैरालिसिस था इसको, और इसको सामने मूवमेंट हो रहा था बिल्कुल, और हमारे पास लेके आए कि यह कुछ दवाई दी इनके द्वारा और 4 घंटे बाद इस प्रकार हो गया कि इसको न तो दिखाई दे रहा है न चल रहा है, बिल्कुल एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है और चिल्ला रहा है, और उसको जो है फीसेस वगैरह सब पास आउट हो गए और पीछे से पूरा पैरालिसिस हो गया। जब एनिमल लवर से हमने बात करी ओनर से, तो ओनर ने बताया कि इसको कुछ मेडिसिन दी थी, उसके बाद 4 घंटे बाद इस टाइप सिम्टम आने लगे। जब पता किया तो उसमें आयरोमेक्टिन नामक की टेबलेट थी और वो रिकमेंडेड डोज से बहुत ज़्यादा इंजेशन कर चुका था वो, उसके कारण उसको इस टाइप की समस्या आई। उसका मैनेजमेंट हमारे द्वारा किया गया, बाद में इसको आईवी इन्फ्यूजन दिया गया। आईवी इन्फ्यूजन के साथ में जो है एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन, नियोस्टिग्मिन इंजेक्शन, प्रेडनिसोलन और ट्राइबीवेट इंजेक्शन दिए गए। ये सभी इंजेक्शन और इन्फ्यूजन सुबह शाम 3 दिन के लिए दिए हैं, और उसके बाद यह पपी बिल्कुल अच्छा हो गया है और इसको अभी कोई समस्या नहीं है। इस पपी का जो रूम स्टोमक कंटेंट है उसको भी बेबी फीडिंग ट्यूब से हमारे द्वारा सक करके वापस निकाला गया है,
और उसको मैनेज किया गया। अभी इस पपी को कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल अच्छे से खा रहा है, घूम रहा है और 3 दिन के इलाज के बाद बिल्कुल सही हो गया है। लेकिन हिदराय और सभी लोगों को ये दिया है कि नेक्स्ट जो है इसका 15 दिन तक ध्यान रखें, इसको कोई ऐसी चीज ना दें कि इसको नुकसान होने। सभी पैट्स लवर वैट्स से निवेदन है कि आयरमेटिन का उपयोग जो है वो रिकमेंडेड डोज जो है उसका, आयरमेटिन और रिकमेंडेड स्पेसिस है उसी में करें, और लिटरेचर का ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें उसके बाद दें, ताकि आयरमेटिन के जो इफेक्ट्स है वो सभी को पता जाए। खासकर जो एनिमल लवर हैं या डॉग्स पालने वाले हैं वो आयरमेटिन का उपयोग बहुत हद मात्रा में कर लेते हैं, और बिना किसी सलाह के ये ना करें। आयरमेटिन को बिल्कुल डॉक्टर की सलाह से ही लें तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो आपके पशु को कहीं ना कहीं ये नुकसान करता है। इसके डोज जो है वो बहुत वेरी करते हैं डिसीज टू डिसीज। मैंग है तो अलग होगा, हार्ट वर्म है तो अलग होगा, नॉर्मल अगर इंडो पैरासाइट है तो अलग होगा। आपके हर स्पेसिस वाइज इसका डोज डिसाइडेड है, वो ही उपयोग कर रहे हैं, तो वो केवल आपको वेटनरी प्रैक्टिशनर ही बता सकता है, तो उसकी सलाह के बिना आप इस टेबलेट को न दें। धन्यवाद। तो मतलब मुंह से झाग आ गया था, लेटिंग दस्त वगैरह बैठने लगा, तो मतलब पूरा लूज हो गया था, ख़त्म ही हो गया था। आपको लग रहा था ये बचेगा कि नहीं, नहीं? मेरे को तो नहीं लग रहा था कि बच जाएगा। ये क्या आप किसने बताया कि आप करवाने आओ, इलाज कराओ? एक डॉक्टर से मैंने परिचय निकाला कि वहाँ डॉक्टर साहब बघेल डॉक्टर साहब है, उनके पास ले जाओ। तो दो इलाज के बाद बिल्कुल कोई दिक्कत आई इसको? नहीं, कोई कोई दिक्कत नहीं, मैं कितने एक ही 2 रोज में ठीक हो गया। ये अभी कोई अच्छा है? अभी स्वस्थ है एकदम। खाना पीना कर रहा है? हाँ, खाना पीना कर रहा है, और अभी वजन भी इसका 200 ग्राम बढ़ गया है।